जिंदगी में आप देखें तो आम अफराद का नुक्ता नजर ही ये है कि शहवत के लिए जिया जाए। मिसाल के तौर पर सादा सी बात आपके सामने रख रही हूँ कि आम तौर पर खवातीन में, लड़कियों में ये बात डिस्कस होती है, अगर ये सवाल किया जाए पढ़ना क्यों छोड़ दिया, शादी हो गई, फुलां काम क्यों छोड़ दिया, शादी हो गई, रिश्तेदारों से क्यों नहीं मिलते, शादी हो गई, नेकी के काम क्यों नहीं करते, फुलां यानी सदका व खैरात क्यों नहीं करते, शादी हो गई, यानी शौहर को पसंद नहीं। और ये बात आप भी ऑब्जर्व करते होंगे कि हमारे यहाँ शादी का जो तसव्वुर है वो यही कि इंसान शादी के लिए जिए, यानी शादी से पहले हसरत के साथ और शादी के बाद थोड़ा मुशक्कत के साथ, लेकिन शादी के लिए जीना सिखाया जाता है। तो शहवत जिंदगी का मकसद नहीं है, तो जिंदगी का मकसद महज शादी नहीं है, ये तो इंसान के नॉर्मल रहने के लिए एक तरीकाकार है जो रब ने बता दिया। देखिए, दरिया जहां से अपने मंबा से निकलते हैं, फिर आप देखिए कि पानी वहां रुका नहीं रहता, पानी बहता है नालों की सूरत में या बड़े दरिया की सूरत में, नाले दरिया में गिरते हैं और छोटे दरिया बड़े दरियाओं में गिर जाते हैं, फिर ये दरिया समंदर में गिर जाते हैं, सफर जारी रहता है। ऐसा नहीं होता कि पानी किसी जगह पर स्टॉप हो जाए। और आप देखते होंगे कि अगर पीछे से पानी बंद हो जाए तो ठहरा हुआ पानी गल सड़ जाता है, यानी उसमें सड़ांत पैदा हो जाती है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो जैसे बहता पानी कारामद होता है, ऐसे ही चलती हुई जिंदगी कारामद होती है। तो ये जो चलती हुई जिंदगी है ना, इसके कई एक मोड़ आते हैं, लेकिन कोई मोड़ भी एक इंसान को उसके सफर से नहीं रोक सकता, और अगर रोक रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंसान ने अपनी मंजिल को नहीं पहचाना और मंजिल के उसूल के लिए वो कोशिश नहीं कर रहा, उसके ऊपर अपना मकसद ही क्लियर नहीं है। तो उसने ये सफर तो करना है लेकिन पहुंचना अपनी मंजिल तक है, तो ये नहीं भूलना कि पहुंचना कहाँ है। तो एक इंसान को भी ये बात पेश नजर रखनी चाहिए कि उसे अपने रब के पास पहुंचना है। जिंदगी महज इस जिंदगी के चंद काम करने के लिए नहीं मिली, जिंदगी मिली है अपने आप को रब के काबिल बनाने के लिए, जन्नत के काबिल बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, अपने खुल्क को संवारने के लिए। Oh.